This conference will now be recorded. अभी देखते हैं तो निफ्टी के हिसाब से देखेंगे मार्केट में निफ्टी जो 60 मिनट का चार्ट है और 180 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, ये इतना बड़ा डिफरेंस हुआ है, गैप ज्यादा है। यहाँ पे भी शॉर्ट एवरेज और मिड एवरेज में बहुत डिफरेंस है। तो ये जो प्राइस दिख रही है 7560, ये जो प्राइस दिख रही है, ये मेजर सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि डेली का चार्ट में देखते हैं तो डेली का चार्ट भी आपको वही लेवल बताएगा अप्रोक्सीमेटली। ये जो मिड पॉइंट आएगा इसका, ये तो प्राइस का मिड पॉइंट जो आएगा, ये क्लोज प्राइस और शॉर्ट एवरेज का प्राइस, इसका मिड पॉइंट जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 11,600 या 11,560 के आजूबाजू में है। मार्केट ओवरबॉट है, बुलिश की तरफ है, क्योंकि देखते तो वीकली का चार्ट देखेंगे तो कम्प्लीटली आरएसए भी ऊपर आने लगा है, सस्टेन नहीं हुआ है, लेकिन मंथली का आरएसए ऊपर है। तो मंडे हमने देखा था, मंडे जिसमें मंथली का आरएसए ऊपर है और यहाँ पे जो प्राइस शॉर्ट एवर क्रॉस ओवर या सस्टेन हो रहा है, मंथली का आरएसए सिग्नल लाइन के ऊपर है, इसे स्टॉक सब ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, अभी वो थोड़ा ओवरबॉट है, उसका करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो 11,560 विद द सपोर्ट लेवल, निफ्टी सपोर्ट लेवल मेजर सपोर्ट लेवल है और एक बीच में का सपोर्ट लेवल है 11,600 और रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस हम वीकली के हिसाब से लेंगे, वीकली के हिसाब से हाई माइनस लो, लास्ट वीक के हिसाब से हम लेंगे, लास्ट वीक के हिसाब से लेंगे तो हाई माइनस लो होता है अप्रॉक्सिमेटली 300 पॉइंट, 11,428 माइनस 11,099, इट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 320 पॉइंट्स, 330 पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, 330 पॉइंट्स 11,460 में 330 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 11,746। तो अभी ये अप्रॉक्सीमेटली 11,738 के आजू बाजू में तो ट्रेड हो रहा है, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब टारगेट कंप्लीट होने लगा है और वीकली का एमएसडी तो नीचे है, इसका मतलब ये करंट सिनारियो में ओवरबॉट है, मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद बाय, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल है 11,750 का लेवल लिखा हुआ है और तो निफ्टी निफ्टी लुक्स इज ओवरबॉट है एज पर लोअर टाइप रेंजेस। एज पर H3 चार्ट के हिसाब से ओवरबॉट है, निफ्टी बाय ऑन डिक्लाइन है, बाय ऑन डिक्लाइन है, बाय ऑन डिक्लाइन है। थोड़ा मार्केट डेली के डेली मंथली डेली जो है, मंथली डेली
ये कंडीशन अभी मार्केट में चलेगी, मतलब डेली के चार्ट के हिसाब से हम एंट्री लेंगे मंथली के बुलिश के साथ। मंथली में बुलिश है स्टॉक्स, वैसे डेली के हिसाब से हमें एंट्री ले लेंगे। उस करंट सिनेरियो में स्टॉक विच आर बुलिश एज पर मंथली चार्ट, and you can buy the stock, this stock as per daily chart। इसमें एक चीज और देखनी चाहिए, क्वार्टरली का चार्ट में बुलिशनेस की पार्ट रहना चाहिए। क्वार्टरली बुल रहेगा, बुलिशनेस का कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। क्लोज अबाउट ईसी, क्लोज अबाउट ईसी, आरएसआई भी सस्टेन हो रहा है, ऐसा कुछ तो कंडीशन बुलिशनेस का, कम से कम एक तो कंडीशन तो कम से कम होनी चाहिए। देखेंगे तो मतलब क्वार्टरली में क्लोज अबाउट ईसी है इसमें निफ्टी में, तो ये बुलिश का कंडीशन है। ईसी तो अबाउट ई30 है, बुलिश का कंडीशन, फिर कोई ना कोई तो कंडीशन होनी चाहिए। आरएसआई भी सस्टेन रहेगा तो बेस्ट हो जाएगा, फिर आरएसआई सिग्नल रेंज के ऊपर सस्टेन रहेगा तो बेस्ट हो गया वो, इसे स्टॉक को हम प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ये कम से कम एक कंडीशन तो कम से कम होनी चाहिए, कुछ तो कंडीशन बुलिशनेस की होनी चाहिए। जितने ज्यादा कंडीशन रहेंगे बुलिशनेस के उतना अच्छा रहेगा। तो वैसे स्टॉक्स हम ढूंढते हैं डेली, इसमें एंट्री डेली के चार्ट के हिसाब से होने वाली आज अभी, क्योंकि हम डेली के चार्ट के हिसाब से हमें एंट्री करनी चाहिए। अभी करंट सिनेरियो में डायरेक्ट कुछ बाय नहीं होने वाला, मतलब निफ्टी में तो बाय नहीं है, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है क्योंकि ओवरबॉट हुआ है। ऐसे कंडीशन में थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है। डेली के चार्ट के हिसाब से हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। बजाज ऑटो में अभी और भी बाइंग है क्योंकि वीकली का अभी भी बाइंग चालू हो गया है इसमें, तो और भी ज़्यादा कंडीशन अच्छी रहेगी। मंथली का भी आ रहे थे सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है और यहाँ पे क्लोज अबाउट शॉर्ट एवरेज हुआ है दो बार, तो ये कंडीशन होती है इसमें। तो ऐसा कंडीशन वाले कोई स्टॉक्स रहेंगे तो बाय कर सकते हैं। बाटा भी है, फिर मार्केट थोड़ा एक्सपेक्ट होना चाहिए, करेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए मार्केट में। हाँ ये थोड़ा नीचे आने के बाद ब्रिटानिया डेली के हिसाब से चलेगा, क्वार्टर मंथली डेली के हिसाब से चलेगा मार्केट, मंथली और डेली के हिसाब से। इसमें एडिशनल कंडीशन डालनी चाहिए ये है कि क्वार्टरली का सम बुलिशनेस, कुछ तो बुलिशनेस क्वार्टरली के हिसाब से रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब क्वार्टरली के फाइव कंडीशन बुलिशनेस है तो फाइव आउट ऑफ फाइव कंडीशन रहेगी तो बेस्ट हो गया, लेकिन क्वार्टरली में समझो दो कंडीशन आ रही है, क्लोज अबाउट ईसी और ईसी अबाउ ई30 और आरएसआई सस्टेन अबाउ सिग्नल लाइन, तो वो कंडीशन भी चल सकती है। इसमें क्लोज अबाउ ईसी आया है और ईसी अबाउ ई30 है, आरएसआई भी रहेगा ना तो बेस्ट हो जाएगा। आरएसआई सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन रहेगा वो तो काफी अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। वैसे स्टॉक्स को हम अच्छी तरह से बाइक मतलब अच्छी कंडीशन में बाइक क्या है समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टॉक है क्या देखता हूँ, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल, तो बाय है डिक्लाइन पे बाय है, मेरे ख्याल से डेली का मिड एवरेज आ जाएगा 600 के आजू बाजू में, किधर तो बाय है।
निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट सेल के लिए पोजिशन शॉर्ट के लिए मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी बहुत कम है करंट मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट का 1200 पॉइंट का करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एमको सीमेंट भी है, टोरेंट फार्मा तो बुलिश ही है, टोरेंट फार्मा एक पोजीशन ले सकते हैं। तो बजाज ऑटो मिल गया, टोरेंट फार्मा, रैमको सीमेंट एक अच्छा है। वैसे मंथली का आरएसए सिल्वर क्वार्टरली का आरएसए सिल्वर लाइन के ऊपर सस्टेन है, वैसे स्टॉक्स को बाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरविंदो फार्मा है, अजंता फार्मा भी है। अरविंदो फार्मा का बिकनी के हिसाब से जो सस्टेन हो जाएगा उतनी सस्टेन आरएसए सस्टेन नहीं है, तो मंथली के E6 के आजू बाजू में तो बाय कर सकते हैं। बजाज ऑटो एक अच्छा ट्रेड लग रहा है। मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, उसके बाद में हम कुछ एक डॉक्टर रेड्डी भी नीचे आ सकता है थोड़ा, उसके बाद में बाइंग आ जाएगी। 4800 के आजू बाजू में किधर तो बाय रहेगा, 4800 के आजू बाजू में किधर तो बाय रहेगा। ऐसे स्टॉक हम देख सकते हैं। प्रॉपरली क्वार्टरली में आ रहे थे सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है, ऐसे स्टॉक थोड़े कम मिल रहे हैं। एक है अजंता फार्मा, एक अच्छा स्टॉक है, क्वार्टरली में आरएस से ऊपर है, मंथली में भी है, वीकली में भी है, ये स्टॉक ये अच्छा रैली दे सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। दूसरा है अवंती फीडर, ये भी एक स्टॉक है, इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। ये क्वार्टरली का आरएस है ऊपर है, ये इम्पोर्टेंट बन रहा है इसके लिए, आरएस सस्टेन है, नीचे प्राइस जाने के बावजूद भी क्लोज बाबा E6 है, E6 बाबा E30 है और आरएस सस्टेन है, सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है। तो ये ऐसे कंडीशन वाला स्टॉक होल्ड करने जैसा है। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ सकते हैं आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वार्टरली बुलिश रहेगा तो एडिशनल कंडीशन। क्वार्टरली का बुलिशनेस वैसे तो मिल रहे हैं स्टॉक, अजंता फार्मा, बाटा, एक थोड़ा बाटा क्लोज नहीं आया, लेकिन बजाज ऑटो, और मैक्स डॉक्टर रेड्डी थोड़ा नीचे आने के बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते हैं।
सर एमजीएल और आपको एयरटेल के बारे में बताइए ना सर, MGL, और एयरटेल। MGL नीचे जाएगा लगता है। एयरटेल हाँ सर, क्वार्टरली पास है ना, फिर भी जाएगा नीचे। हाँ, क्वार्टरली क्लोज दिया है ना, प्रीवियस बार में क्वार्टरली में क्लोज दिया है, क्लोज भी तो इसी का है ना। क्वार्टर नीचे इसकी मंथली का ही मेरे ख्याल से 750 या 700 और नीचे जाएगा। अच्छा, अभी उसको बाय नहीं बता रहा कि ना नीचे जाएगा, इसकी बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि डेली के के हिसाब डेली से के बाय हम में लेना है क्या, वीकली में? नहीं, वीकली का अभी जो वीकली एचडी आर का एस बाय आर है बहुत अच्छा है सर उसका। नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट। वीकली आरएसए पैटर्न देखिए सर, अच्छा लग हाँ मालूम है मुझे, लेकिन क्या है, पैटर्न बनाया है ठीक है, लेकिन ये जो हाई बनाया है ना, ये मंथली का, वो रहा। हाई उसको तुरंत नहीं छोड़ता, तो ये हाई उसका रेजिस्टेंस रहेगा, तो 470, 873 रेजिस्टेंस तो रहेगा, 875। तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेली का जो बाय आ जाता है तो 871 ही आ रहा है, तब तुरंत आ रहा है, करेक्ट ना, यही लो हाई आ रहा है 875, करेक्ट, मतलब यही हाई आ रहा है। तो अभी वीकली के साथ जाते हैं तो 871 उसका टारगेट रहेगा, या ओके H3 के हिसाब से E30 का ही टारगेट, नहीं H3 तो सेल में आया, E30 का ही टारगेट रहेगा। हाँ, 850 आएगा। क्योंकि मंथली के हिसाब से ये रैली मेरे ख्याल से लोअर के हिसाब से ये हाई का रेजिस्टेंस बनता है, फिर तो लो ओपन हो जाता था तो ऊपर जाता था सीधा, लो नहीं ओपन हुआ ना, हाई ओपन हुआ ना, देखो। हाई में ओपन हुआ, ये जो लो प्राइस है इधर वो हाई में ओपन हो गई, मेरे ख्याल से लो तो बनाएगा इधर, लो बनाएगा ये, क्योंकि ये हाई उसका रेजिस्टेंस बनेगा ना, ये जो हाई करंट हाई है, जो करंट प्राइस का हाई दिख रहा है ये वाला, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये 875 के आजू बाजू में, मतलब तो आए आगे तो 875 तक आ जाएगा। सर, एयरटेल एक देखिए। वोडाफोन ना, एयरटेल, भारतीय एयरटेल आना चाहिए ऊपर, डिलीवरी में होल्डिंग है खाली, लेकिन मोमेंटम में नहीं है, क्योंकि ये इस यहाँ पे क्लोज दिया ना, इधर क्लोज हाँ बिलो इसी दिया है क्वार्टरली में, क्वार्टरली E30 तक आ सकता है क्या सर? लो तोड़ेगा तो आ जाएगा श्योर, अच्छा हाँ, काफी दिन से वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वो लो का। सुपर दिखा रहे हैं, ये लो तोड़ेगा तो जरूर आ जाएगा फिर। ओके अभी यहाँ पे तो डेली के चार्ट के हिसाब से हम एमएसडी को मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते, वीकली का ये देखो आरएसए नहीं आया ऊपर, अभी तक डाइवर्जन तो नहीं बना रहा है लेकिन होल्डिंग है, अभी होल्डिंग रहेगा इसमें, एफएनओ ट्रेड करने के लिए अच्छा नहीं उतना। क्या ओके ठीक है सर, थैंक यू। यार थोड़ा बहुत तो होल्ड इस कर सर सकते हैं, मंथली डेली के हिसाब से ये सही नहीं लग रहा? मंथली डेली के हिसाब से, मंथली डेली के हिसाब से नीचे तो जा रहा है बेटा, मेरे ख्याल से 5 रुपये में अच्छा रहेगा, 5 रुपये आ जाएगा, कि इसका टोटल करेक्शन 62%, 50% भी लेते तो 5 रुपीज आ रहा है, 5 रुपये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अभी ये प्राइस पे डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल है, बाय करने तो नहीं बोलूंगा मैं, सर अजंता फार्मा में जो आरएसआई पैटर्न है मंथली का, वो लोअर हाईज लोअर टॉप्स बना रहा है, उसका कोई इम्पोर्टेंस है क्या?
देखो अजंता फार्मा का क्या है कि लोअर टॉप बना रहा है, लेकिन ये तो क्वार्टरली का अच्छी तरह से आर एस आई ऊपर ऊपर है, ये थोड़ा सा साइडवेज में रह के बाद में आ सकता है, आर एस आई आने के बाद मोमेंट दे सकता है, लेकिन वो चांसेस तो बताना चालू किया इसने। ओके सर सर, और जो डॉक्टर रेड्डीज है उसमें E6 और E30 के बीच में इतना बड़ा गैप है, तो वो हम ओवरबॉट नहीं कंसिडर करेंगे इवन मंथली चार्ट में भी? हाँ ना, ओवरबॉट तो है, लेकिन फाइल तो इधर 4,800 के पास फाइल हो जाएगा, ओके सर, इसलिए तो आर एस आई क्या है, इसी के एम एस भी नीचे नहीं आई ना, ये आर एस आई भी नीचे नहीं आया, सस्टेन नहीं हुआ, सस्टेन होना जरूरी है, सस्टेन हो जाएगा तो ये प्राइस आ जाएगी 4,400। ओके सर, थैंक यू। तो बाइंग 4,800 से आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा उसके ऊपर डिपेंड है, वो नहीं सस्टेन होता है ऊपर तो 4,400 आ जाएगा, लेकिन 4,800 से पहले तो भाई आना चाहिए। ओके सर। सर, और आपने जो निफ्टी का रेजिस्टेंस एकदम टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर बताया था, वो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? निफ्टी का रेजिस्टेंस मंथली के वीकली के हिसाब से मैंने बताया था, हाई माइनस दो लिया, अप्रोक्सीमेटली 330 आया, ओके okay. वो क्लोज में ऐड किया मैंने, तो 11,416 प्लस 330 तो 746, ओके 11,746 मतलब 11,750 के आजू बाजू में तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि एमएसडी नीचे तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, और इधर अभी देखते हैं ना तो ये काफी देर तक ऊपर है, इसको करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हाँ ऐसे हो सकता है कि लो आके सीधा हो जाए, जा सकता है ऐसे, ये प्रॉपरली एमएसडी सेल में नहीं आएगी शायद, लेकिन प्राइस करेक्ट होके सीधा जा सकता है, मतलब लो ओपन हो जाएगा और सीधा चलता ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे हो सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके और कुछ क्वेश्चन? सर, क्वार्टरली के चार्ट में जो आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया था उसमें समझो इफ देर आर टू चार्ट्स, वन वेर इन E6 इज अबव E30 बट डी एमएसईडी एंड आरएसआई आर बोथ सस्टेनिंग बिलो लाइक निफ्टी, वर्सेस इफ E6 इज बिलो E30 बट आरएसआई हैज कम अबव, तो ये दो कंडीशंस के बीच में? तो उसको को मेजर कंडीशन भी पकड़ना ही चाहिए ना, इवन इफ द आरएसआई एंड एमएसईडी आर अबव? या कंपल्सरी कंडीशन ना, इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन, मेजर राइट 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 सर। तो फिर ऐसे कंडीशन में ये जो अपना इंडसइंड बैंक है वगैरह, दी स्टॉक्स वी स्टिल बाय देम ऑन डिप्स ऑल्दो देयर E6 इज बिलो E30, तो दैट टेक अ गैप ट्रेड नो? इंडसइंड बैंक क्या मस्त क्वेश्चन पूछते हैं कुछ कुछ लोग। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है ना, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है ना, ये मेरा टारगेट 800 है ना अपना, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसका रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ ना, रिट्रेसमेंट होने के बाद रिट्रेस पूरा रिट्रेस किधर हुआ, रिट्रेस होना है तो 1,200 होना चाहिए पहला। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स। मंथली का आ रहे थे उसने पकड़ के रखा है, राइट, अलग कंडीशन अलग है, या ओके सर, गॉट इट, थैंक्स, बाय। जनरलाइज करने जाते तो वो इसी का वो इकट्ठे रहना ही चाहिए, जनरलाइज कर, एक्सेप्शन में कुछ हो सकता है अलग बात है, जनरलाइज तो ये है, ठीक है।
ओके सर, गॉट इट, थैंक यू. ओके ओके भाई, गुड नाइट. और कुछ पूछना है? हेलो. ओके सर, गुड नाइट. एनी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो. नो सर. या वेलकम, गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक यू सर. गुड नाइट. गुड नाइट.